Galactus must feed. What have you done? वॉच मोजो में आपका स्वागत है। आज हम उन टॉप 10 सबसे शक्तिशाली मार्वल कैरेक्टर्स का काउंटडाउन कर रहे हैं जिन्हें हमने अब तक बड़े पर्दे पर नहीं देखा है। Come at me again, you green beast, and I will rip you in two. इस लिस्ट के लिए हम मार्वल के सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर्स को देखेंगे जो 2008 के आयरन मैन और 2022 के थॉर लव एंड थंडर के बीच एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई नहीं दिए हैं। आप इनमें से कौन से पावर हाउस को एमसीयू में जल्द देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, वंडर मैन। साइमन, यदि कोई हीरो अमर है तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि उसके पास उसका समर्थन करने के लिए शक्तियों का एक समुद्र होगा। साइमन विलियम्स ऑफ वंडर मैन आयोनिक एनर्जी से बना है और यह उसे बहुत सारी इंप्रेसिव एबिलिटीज प्रदान करता है। You're able to expand the ionic energy. That's amazing. एक सुपर हीरो के बेसिक गुणों के साथ उसके पास और भी अधिक शक्तियां हैं, जैसे कि वो टेलीपोर्ट कर सकता है, अपना रूप बदल सकता है, फोर्स ब्लास्ट कर सकता है और किसी भी चोट से ठीक हो सकता है। साइमन असल में एमसीयू में पेश होने के बेहद करीब आ गया है। नाथन फिलियन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के लिए एक कट कैमियो में उसका चित्रित किया गया है। ये बहुत ही अच्छा होगा अगर फिलियन इस फॉर्मिडेबल हीरो को लाइव एक्शन में लाए। नंबर 9, ब्लू मार्वल। Dr. Adam Brashear, a football star and Ivy League prodigy turned decorated Marine turned master of electrical engineering and theoretical physics. Adam Brashear बचपन से child prodigy थे। इसने एक reactor विकसित किया है जो negative zone नामक space को contact करके antimatter को clean energy के रूप में उपयोग करने का प्रयास करता है। लेकिन रिएक्टर एक्सप्लोड हो जाता है। इस एक्सप्लोजन के कारण एडम को कई शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और वो ब्लू मार्वल बन जाता है। सुपर शक्ति और सुपर स्पीड के अलावा वो एंटी मैटर एनर्जी को अब्सॉर्ब करके मैनिपुलेट कर सकता है, शानदार विस्फोट कर सकता है और फोर्स फील्ड को प्रोजेक्ट भी कर सकता है। इसकी बस एक मात्र कमजोरी न्यूट्रोनियम नामक एक पदार्थ है जो एक एवरेज बुरे आदमी को आसानी से नहीं मिलता। ब्रेशिया के क्रिएटर केविन ग्रेवियो ने संकेत दिया है कि वह थॉर और हल्क जैसे हीरो के समान लीग में है। अगर ब्लू मार्वल कभी एमसीयू में आता है तो हम उसे जरूर उन एवेंजर्स के साथ लड़ते देखना चाहेंगे। नंबर 8, गैलेक्टस। माय पीपल कॉल्ड इट गैलेक्टस, द डिवोरर ऑफ वर्ल्ड्स। हालांकि हमने 2007 के फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में गैलेक्टस को देखा था, लेकिन उस अपीयरेंस ने उसे न्याय नहीं दिया। इस फिल्म की एक बात ठीक लगी कि दुनिया के डिवियरर से तो डरना ही पड़ेगा। उसके मैसिव पावर्स उसे कॉस्मिक एंटिटी के विलय से मिला है। उसे खुद को बनाए रखने के लिए दुनिया की पूरी शक्तियों की जरूरत है। उसके पावर्स में फायरिंग एनर्जी ब्लास्ट, एनर्जी अब्सॉर्प्शन, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी और दूसरों को अपने पावर्स में संपन्न करने की एबिलिटीज शामिल है। This is different. This is a force of nature. अगर चीजें उसके हिसाब से नहीं चलती हैं, तो गैलेक्टस अब पूरे ग्रह को ही खा जाता है। हम सब जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज एक नई फैंटास्टिक फोर फिल्म पर काम कर रही है और कुछ ही वर्षों में शायद ब्लू मार्वल उस टीम में शामिल होने के लिए तैयार होगा। Well, the 7 billion other people on this planet aren't going to fare any better. Regrettably, but Galactus hungers. Galactus must feed. Number 7, Annihilus. Face your annihilation, Spider-Man. And from bad to worse. फैंटास्टिक फोर से जुड़े शक्तिशाली विलन्स की बात करें तो एनिहिलियस एक और है जो अक्सर मार्वल के पहले परिवार के साथ कंट्रोवर्सीज पैदा करता है। इस तरह के नाम के साथ आपका यह मानना सही होगा कि उसकी शक्तियों की लेवल्स बहुत ही डराने वाली है। ये इंसेक्टॉइड एंटेगनिस्ट नेगेटिव जोन पर अत्याचारी भारी शासन करता है। Yeah, he's top bug in the negative zone. कॉस्मिक कंट्रोल रॉड की सहायता से एनिहिलियस कॉस्मिक एनर्जी को कंट्रोल करता है। उसकी उम्र बढ़ने की गति को बहुत धीमी कर देता है और 10 मेगाट्रॉन फोर्स का पावरफुल ब्लास्ट करता है। वो चाहे कितनी बार भी मरे, लगातार पुनर्जन्म लेता है। एनिहिलियस एक ऐसा विलन है जो किसी भी हाल में धरती को जीतना चाहता है, इसलिए एमसीयू के हीरोज को सतर्क रहना चाहिए। Forward and attack! Destroy anything in your path!
Number 6. Sentry. Sentry was the alter ego of Robert Reynolds, who became one of the most powerful heroes in all existence after he took an experimental super soldier serum. रॉबर्ट रेनॉल्ड्स उर्फ सेंट्री की बात आती है तो ऐसा लगता है कि मार्वल ने अपनी सारी ए-लिस्ट शक्तियों को समेटकर एक कैरेक्टर में डाल दिया है। कैप्टन अमेरिका की तरह सेंट्री को भी एक स्पेशल सीरम से शक्तियां मिलती हैं, लेकिन इस एक्सपीरियंस से उसे हद से ज्यादा सुपर पावर्स मिल जाती हैं। He's even fought Galactus. Galactus to a standstill. सुपरमैन की तरह सेंट्री भी सूरज से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। सेंट्री मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट कर सकता है, उड़ सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है और वो अनाश्य है। लाइट को मैनिपुलेट करने की उसकी क्षमता से उसे पावरफुल ब्लास्ट और इनविजिबल होने की पावर मिलती है। उसके इस अद्भुत शक्तियों के साथ सेंट्री अपने किसी भी अपोनेंट को खत्म कर सकता है। With the power of a million suns, Sentry was in a league of his own. Number 5, Molecule Man. Last time Molecule Man came to town, he almost left with it too. पहले कई हीरोज की तरह ओवेन रीस को भी एक साइंटिफिक एक्सीडेंट से हुई न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन मुख्य अंतर यह है कि यह एक्सीडेंट बियॉन्डर्स नामक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स द्वारा अपने खुद के उद्देश्य के लिए रचाया गया था। रीस सभी मैटर और एनर्जी को बदलने में सक्षम है, इस कारण वह दुनिया को जैसे भी चाहे वैसे रीशेप कर सकता है। This wand could change any kind of molecule into any other kind of molecule. यहाँ तक कि वह एक झटके में ब्रह्मांड की रचना भी कर सकता है। रीस वर्म होल के जरिए यात्रा करके एनर्जी ब्लास्ट उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसे वास्तव में लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके सिर्फ सोचने से ही वह कुछ भी बदल सकता है या फिर नष्ट कर सकता है। यहाँ तक कि गैलेक्टस भी उससे डरता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल मैन कितना शक्तिशाली है। नंबर 4, सिटोरैक। ये एंशिएंट देवता पृथ्वी के लिए सीधा खतरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसे बहुत पहले ही दूसरे डायमेंशंस पर भगा दिया गया है। लेकिन कोई गलती ना करे, वह एक शक्तिशाली एंटिटी है जिसके साथ किसी तरह का छल नहीं किया जाना चाहिए। सिटोरैक बेहद जादुई और अपनी शक्तियों को सभी डायमेंशंस के पार दूसरों को उधार देने में सक्षम है। आमतौर पर यह कुछ आर्टिफैक्ट या जादू के माध्यम से होता है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सिटोरैक। ये चाहे तो अपने अवतारों की पावर लेवल्स को बढ़ा सकता है। एमसीयू में मल्टीवर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए हमें आने वाले वर्षों में सिटोरैक या इसके खतरनाक अवतारों में से एक को देखने का मौका मिल सकता है। नंबर 3, मेफिस्टो। I'll be watching. Forget about friends. Forget about family. हालांकि इंटरनेट ने कई फेज 4 प्रोजेक्ट्स में मेफिस्टो की अपीयरेंस के बारे में अनुमान लगाया है, लेकिन ये अभी तक प्रदर्शित नहीं हुआ है। जब ये होगा तो वह एक यादगार पल होगा। मेफिस्टो मार्वल में कई शैतान जैसे एंटेगनिस्ट में से एक है। एक पॉकेट डायमेंशन जिसे वह हेल कहता है, उस पर शासन करता है। वह क्रिस्टियन शैतान के बारे में इंसानों के ज्ञान का इस्तेमाल करके उनसे धोखे से सौदा करता है। I cured his cancer. That was the deal. But I couldn't let him come between us. वो अपने दुश्मनों के करीब आने के लिए अपने रूप को बदल सकता है। स्पाइडरमैन और स्कारलेट विच जैसे मार्वल सुपर हीरोज भी मेफिस्टो द्वारा मैनिपुलेट हुए हैं। वह जादू के कई रूप का प्रयोग करके रीजनरेट हो सकता है, इसलिए उसे मारना आसान नहीं होगा। मेफिस्टो एक शैतानी ताकतवर फोर्स है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। I will make you pay for this. You can't live in fear. Number 2, the Beyonder. You're the Beyonder. Got it. Beyonder? I like that. Mind if I use that? क्योंकि बियॉन्डर्स के पास वास्तविकता को रीशेप करने की क्षमता होती है। वे जो चाहे कर सकते हैं। एक समय था जब इन एंटिटीज में से एक ने अपने मनोरंजन के लिए बैटल रॉयल में कई हीरोज और विलन्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था। You are on Battle World, a planet I built from parts of other worlds, including your own. I brought you here to be part of my grand experiment. मंच को सेट करने के लिए बियॉन्डर्स ने एक पूरी दुनिया बनाई, जबकि उसकी विशाल शक्तियाँ वर्षों के साथ बदल गई हैं। वह अधिकांश हीरो को
हराने की क्षमता रखता है। द बियॉन्डर कॉस्मिक्स के सीक्रेट वॉर्स की कहानी का एक प्रमुख हिस्सा था। डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी रीसेंट मूवीज में ये संकेत दिया गया है कि ये प्लॉट जल्द ही एमसीयू में आने वाला है। द बियॉन्डर्स की क्षमताओं का सामना करने के लिए कोई भी लाइव एक्शन एवेंजर्स तैयार नहीं होंगे। See, I make the rules and the cold truth is, you have no chance. You never did. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नंबर वन, वन अबव ऑल। मार्वल के सभी कॉस्मिक प्राणियों में से वन अबव ऑल अब तक का सबसे शक्तिशाली है। You can't kill me because I already know what's going to happen. See? उन्होंने एंडलेस वर्ल्ड का एक पूरा मल्टीवर्स ही बना दिया है। वन अबव ऑल कोई भी इविल डोज के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स में दखल नहीं देता है और वे विनाश के बजाय प्रेम और जीवन का प्रतीक है। वे हीरोज को थोड़ी सी मदद और सलाह देने के लिए जाने जाते हैं। एक बार वन अबव ऑल एक कॉमिक बुक राइटर के रूप में सुपर पावर बींग के बीच प्रस्तुत हुआ था। वो एक ड्यूज एक्स मचीना जैसे शक्तियों को माप नहीं सकते हैं और इस कारण वे नियमित तौर पर एमसीयू में दिखाई नहीं देंगे। लेकिन वन अबव ऑल किसी हीरो को लड़ने की ताकत प्रदान करने के लिए किसी भी आश्चर्यजनक रूप से प्रकट हो सकते हैं। Can I return it if it doesn't fit? It always fits. Eventually. क्या आप भी एक मार्वल फैन हैं? वॉच मोजो के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।